जी प्रणाम, ओम नमस्ते। नमस्ते स्वामी नमस्ते बेटा। जी। मुझे बाथरूम बहुत जलन हो रही है, तो अच्छा, तो ये बाथरूम में जो जलन, ये कभी कभी होती है, यूरिन इन्फेक्शन टाइप होता होगा ना ये? हाँ जी। और उम्र कितनी है बेटा? 35 साल। 35 साल है। देखो मैं एक, ये लेडीज को बहुत बड़ी समस्या होती है हाँ जी। यूरिन इन्फेक्शन, किसी को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, और ज़्यादातर बहनें शर्म से, लज्जा के कारण से, संकोचवश, हेजिटेशन के कारण से बोल नहीं पाती हैं। और मैं, कितनी ही माँ बहन बेटियों से बात होती है तो श्रद्धावश हमको तो बता देती हैं, परिवार तक भी बात नहीं कर पाती हैं, और फिर लगातार ये इन्फेक्शन आदि होता है तो उससे फिर उनको और समस्या बढ़ती चली जाती है। और मैंने देखा 60-70 साल तक किसी किसी को तो जो है बुढ़ापे तक ये समस्या परेशान करती है। बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, कपालभाति प्राणायाम तो इसके लिए उस औषधि का काम करता ही है। आपको बहुत सिंपल औषधि बता रहा हूँ, गोखरू, गिलोय और गोखरू, बस दो का काढ़ा बना के आप कुछ दिन लगातार पी लीजिए। और यदि बहुत ही ज़्यादा जलन होती है तो फिर गिलोय और गोखरू कुछ दिन पीने के बाद फिर कुछ दिन केवल गोखरू का काढ़ा पी लीजिए। और फिर भी बहुत ज़्यादा जलन और पीला पेशाब होता है तो शीशम के पत्ते और खा लीजिए। शीशम के पत्ते, हाँ, गिलोय, गोखरू। गिलोय और गोखरू का काढ़ा, शीशम के पत्ते, तो आपका पेशाब भी बहुत पीला आता होगा ना, जलन भी होती होगी ना उसमें साथ में। हाँ जी, 6 महीने से बहुत परेशानी हो रही है मुझे। आप कुछ दिन लगातार शीशम के पत्ते पी लीजिए, आपका 3 से 7 दिन के अंदर पूरी जलन खत्म। और गिलोय और गोखरू ये दोनों इन्फेक्शन को भी खत्म कर देंगे, और गोखरू तो मूत्र रोगों के लिए अमृत है। और खाने में आप नमक कम लेना, और जितना हो सके आप हरी सब्जियां और अंकुरित फल, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना, खाना चबा चबा करके खाना। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा आपको।